अरे स्वेप करे हलू ना, है ना है ना। ये भाई इसको अमेरिका को ना कराची समझ के बैठा हुआ, ऐसे ही चल पड़ा। ये अम्ब्रा ने बांध ली है 2022 में, और अलीशा ने भी न्यूयॉर्क 2022 में ताला लेके बांधा है। हमसे जो है ना $20 मांग रहा था। साल में सिर्फ 2 दफा ये काम हो रहा है, तो इसलिए पूरे कैमराएं लगी हुई हैं उधर इधर भी। अस्सलाम वालेकुम, न्यूयॉर्क से आपको खुश आमदीद भली कर आया। मैं जा रहा हूँ आज न्यूयॉर्क के कुछ और नई जगहों को खोजने, जहाँ देखने और आपको भी दिखाने, तो इसलिए आज मुझे थोड़ी सी लेट हो गई है। मेरी कोशिश है कि मैं न्यूयॉर्क की कुछ नई जगहों पर जाऊँ, तो अभी आपको लेके चलता हूँ वहाँ। आप खुद देखिएगा कि आज मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, पहले बताऊँगा तो सस्पेंस टूट जाएगा। तो चलें मेरे साथ आप न्यूयॉर्क घूमें। ये न्यूयॉर्क की इलेक्ट्रिक बसें हैं, क्लीन एनर्जी बस, और इसमें भी मेट्रो का कार्ड ही चलता है। मैंने देखा नहीं पीछे, और गाड़ी आके हिट करते करते बच गए। यहाँ भी रेस्टोरेंट्स हैं इटली के, इसलिए इटली का जो थीम है ना वो आपको यहाँ नज़र आए। दोस्त नज़र आया है मुझे, तो वो टहलता टहलता आ रहा है। देखें तो आऊँ यार, आऊँ हुतां वारो 38-37 वारो जल्दी पहुतो आया, ऐं तो 53 वारे के सिलो से लेट सिलो थियो से छड़े। हल जल्दी कर, देर थे थी ना। आज फिर मैं और वकार भाई साथ घूम रहे हैं, और कल जो है ये कहीं और चला जाएगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो आज हमने सोचा है कि हम जाएंगे किसी ऐसी जगह पे जो खूबसूरत भी हो। हम सोच रहे हैं कि एक साथ कोई ऐसी जगह देखें जो जगह हम दोनों ने ना देखी हो। हाँ, हमने नहीं देखी है, तो इधर सब ने पहले से मौजूद, लेकिन हमारा मसला है हमने नहीं देखी है। अब क्या करें, ट्राम में जाएं, टैक्सी में जाएं, ट्रेन में जाएं, किस में जाएं? कार्ड तो मौजूद है, ये भी है ना, देखो ई स्टेशन ब्रुकलिन ओनली है ना, ये ठीक है। ठीक है चले, कहाँ जाएगी? डी ट्रेन जाएगी उधर। आज हम, मैंने कल ये निकलवाया था और उन्होंने ये निकलवाया था, हम आज इसको यूज़ करेंगे। जाएंगे किधर पता नहीं है। हाँ, अंडरग्राउंड है पूरा, मसले भी हो गए, पूछना चाहिए ना। ये एग्जिट है, एग्जिट है ना चल। अरे ट्रेन में वो, अरे स्वेप करे हलू ना, है ना बुद्ध ना 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 आज कार्ड स्वेप कयो ना यार। हाँ बियर कर ये ना ना हुआ हुआ आइए। अभी वो मैंने कार्ड यूज़ किया है तो वो नहीं कर पा रहा। ना ना वो गलत हो ना। हाँ
सही आराम से लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 10 मिनट तू मारा ही नहीं ये भाई इसको अमेरिका को ना कराची समझ के बैठा हुआ ऐसे ही चल पड़ा किस जगह नीचे जाना है कहाँ कहाँ जाएगा वेव के लाइन भी अच्छी हाँ चल There's an E train, not a C train. Johnny, here is Joe. Train G station, I put her. यार इधर बैठ रहे हैं ना पानी गिर रहा है छत से पता नहीं इनकी भी छतें टपक रही हैं या एसी का है किसका है पानी बहुत है रेलवे स्टेशन पे हम बैठे और कह रहे हैं सी ट्रेन जाएगी कहाँ जाएगी ब्रुकलिन यहाँ सब ट्रेनों के नाम मुख्तलिफ जो है ना कोई सी है कोई ई है कोई ए है कोई बी है कोई एक्सप्रेस है कोई लोकल है अब एक ट्रेन तो रुकी नहीं थी वो एक्सप्रेस थी और अगर हम जाना चाहें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो वो भी यहीं से जाएगी तो ये है ट्रेनों का सिस्टम अब ये कुट कुट करके आ रही है इधर से यूं जाएगी यूं आएगी आ जाए ये वाली ट्रेन नहीं आएगी लगता है हाँ ये ऊपर वाली आई है ये हम बार बार उठ रहे हैं कभी ऊपर आ रही है कभी नीचे इस पे नहीं आ रही ट्रेन ये कोटली की ट्रेन है आती ही नहीं है ये आ गए आ गए आ गए आ जाए आ जाए आ जाए ये तो भरी हुई है हलिया सी ट्रेन में हम चढ़ते हैं बहुत भरी हुई है बीरा बीरा जल्दी जल्दी अब 42 आने वाले हैं ट्रेन का भी अपना मज़ा है ट्रेन का मज़ा अपना लेकिन ये जो वाकया हो गया था ना ब्रुकलिन वाला उसके बाद डर में लोग बहुत कम आ रहे थे आप कैसे गिर गए अभी ये तो झटके आए हैं गाड़ी का ड्राइवर सही नहीं है इस साइड पे आएगा ये आ गई ना या दूसरी आएगा हमें ट्रांजिट करना है समझो हमें ट्रांजिट करना है अब कहाँ जाना है पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल अपटाउन क्वीन किधर जाना है जाना ब्रुकलिन वो किधर जाएंगे कहाँ से आएंगे के लिए अमेरिका में ऑफिस से घर जा रहे हैं ज़्यादा रश है
अच्छा है नहीं चलो जरूर बरूर कैनबरी अल क्रैनबेरी स्ट्रीट 24 घूम घूम के थक गए हैं। ब्रुकलिन ब्रिज का मसला आया आप देखो ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ अभी हमें ब्रुकलिन ब्रिज पे ऊपर जाना है। लोग वहां से आ रहे हैं। चिकन बहुत मजे वाली नहीं थी, खराब थी। चिकन में से बांस आ रही थी, बदबू थी। चावल खा लिया और अब आए हम ब्रुकलिन ब्रिज पर। आपको लेके आया हूँ ब्रुकलिन ब्रिज पर। भाई दुनिया यहाँ आ रही है, दुनिया इतने सयाह आए हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा रश है आज और दोनों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं और यहाँ इन्होंने पैदल चलने वाले लोगों के लिए रास्ता बनाया हुआ है।
वो घूम रहे हैं और तस्वीरें बना रहे हैं। यहाँ से स्टेचू ऑफ लिबर्टी भी क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ का भी प्यारा मंजर है। मेरे लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ 1869 में बना है। इधर ये सी प्लेन जा रहा है। यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट का है। यहाँ पुलिस देखे किस तरह से सर्विलेंस कर रही है हेलीकॉप्टर के जरिए। यहाँ शाम हो रही है तो मौसम बेहतर हो गया है और गर्मी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप देखें इसकी निगरानी कितनी की जा रही है पुलिस की तरफ से हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए। नीचे भी इनके लोग हैं। ये यास का व्यू है। एक औरत रोती भी जा रही है, पीती हुई भी जा रही है। हम वहाँ से आए हैं, HM का टावर यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर वैसे देखा जाए तो कोई एक एरिया दूसरे एरिया से इतना दूर नहीं है। बस सिर्फ स्ट्रीट और रोड ऐसे हैं बने हुए टेढ़े मेढ़े, जिसकी वजह से दूर लगता है। अब ये वाली वो बिल्डिंग है, ये वाली जहाँ से कॉर्नर पे लोग खड़े होकर तस्वीरें बना रहे हैं, यहाँ HM का है। और सामने बिल्कुल ये वाली बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, ये वो एम्पायर स्टेट है। ब्रिज है और इधर चाइना टाउन है। चाइना टाउन के साथ साथ फिर लिटिल इटली है। लिटिल इटली के साथ साथ फिर एक यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह है, वो वहाँ से बाय अगर वॉक जाएँ तो वो भी करीब पड़ती है। टाइम्स स्क्वायर के करीब से हमने पहले सी ट्रेन पकड़ी और सी ट्रेन पकड़ने के बाद हम आए 42 स्ट्रीट पर, जो 42 स्ट्रीट की जो स्टेशन है वहाँ आके हम उतरे। वहाँ से हमने फिर पकड़ी है ई ट्रेन और ई ट्रेन ने आके ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे जो है वहाँ छोड़ा है। अठारह सौ पिचहत्तर में बनी है ये। यहाँ हम कसूर देते हैं कि सिर्फ हमारी दरगाहों पे लोग जाके धागे बांधते हैं, ये करते हैं, लेकिन यहाँ देखें ये अम्ब्रा ने बांध ली है 2022 में। और ये आते हैं यहाँ जोड़े, और अलीशा ने भी न्यूयॉर्क 2022 में ताला लेके बांधा है। ये पीका भाई है, पता नहीं माई है। ये इधर ये 2018 के हैं, ये 2022 के ताले हैं।
304 ब्रुकलिन एम्पायर स्टोर 1856। आगे भी ताले लगे हुए हैं, लिखा हुआ है तालों पे $100 जुर्माना होगा अगर किसी ने अब ताले लगाए ना, $100 जुर्माना। मैं तो ऊपर चढ़ गया हूँ यहाँ, और यहाँ से जबरदस्त व्यू है। ये मैं ऊपर चढ़ा हूँ यहाँ से, यहाँ लोग खड़े होकर भी तस्वीरें बनाते हैं, सेफ्टी के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा हो जाना और यहाँ से खड़े होकर पूरे शहर को देखना बहुत खूबसूरत होता है। तो मैं फिलहाल इस पे चढ़ा हूँ, ये छोटी सी हाइट है, जाली लगी हुई है। चढ़ तो गए हैं, अब उतरेंगे कैसे। कैसे कमा रहे हैं पैसे। $10 आपके हुए भाई। वो हमसे जो है ना $20 मांग रहा था 8 सेकंड की क्लिप के लिए, लेकिन हमने अपना जुगाड़ निकाला और वही क्लिप बना डाली। थैंक यू भाई। ये हेडा अचानक जो हेडा वन है ब्रुकलिन ब्रिज देखने के बाद अब हम जा रहे हैं फिल्म देखने। आपको वो भी दिखाता हूँ कि फिल्म के किस तरह से दिखाई जाती है। ये कुरान शरीफ की तिलावत यहाँ कर इस पे कुरान शरीफ चल रहा है। अरबी भाई है। इस मुल्क में ना जो सबसे अच्छी चीज़ है वो यही है कि कोई किसी को रोकता नहीं है कि आप किस मज़हब से हो, किस जगह से हो। तसव्वुफ हो सकता है, लेकिन इस तरह कुरान शरीफ की तिलावत हो रही है और बड़ा सुकून आ रहा है। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना भी लग रहा हो, लेकिन फिर भी इस गाड़ी कार्ट वाले को कोई मना नहीं कर सकता। ये अरबी भाई है। यहाँ से हम आइसक्रीम लिया। मेरा है, तेरा है? Thank you.
ग्रैंड पार्क। ग्रैंड सेंट्रल से हम बाहर जा रहे हैं, इसके बाद जाएंगे ग्रैंड पार्क फिल्म देखने। एहतजाज करने जा रहे हैं, अभी एहतजाज कर रहे हैं, जैसे ही सिग्नल बंद होता है उसके बाद ये आ जाते हैं। इस समथिंग स्पेशल क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं है। The sun sets in between the streets today. Okay. It only happens like twice a year. Twice a year? Yeah, so everyone does this. Oh, twice everyone wants to capture the moment. Yeah. That's all I do. साल में सिर्फ दो दफ़ा ये सनसेट हो रहा है, तो इसलिए पूरे कैमराएं लगी हुई हैं उधर इधर भी, ये सब लोग इस सनसेट को कैप्चर करना चाह रहे हैं ताकि यादगार मोमेंट बने, और साल में ये दो दफ़ा ही होता है। बहुत बड़ी सिनेमा है, जैसे ना कोई इज्तिमा हो रहा है। I know all seven men, the stunt, the crane, the stag, the horse, the tiger, the bat, the rat, the ये यहाँ जो है ना, जितने भी लोग लाइब्रेरी में आते हैं या इस पार्क को घूमने, उनकी तफरी के लिए इन्होंने ये फ्री मूवी शो है, वो हर मंडे को ये रखते हैं, और यहाँ हज़ारों की तादाद में ये लोग आते हैं। ये है मूवी ग्रैंड पार्क। And I was looking for 1,000 brown M&Ms to fill a brandy glass, or was he going to go on stage that night? So, Jeff Beck pops his head around the door and mentions there's a little sweet shop on the edge of town. Hey, Wayne. Hey, guy. Hey, Bill. Hey, Bill. How's it going, man? Awesome party! Wait, I have great news. इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी सिर्फ ऐसे ही ममालिक में मुमकिन है। तो न्यूयॉर्क में आज दो बड़े इवेंट थे, एक ये था कि जो सनसेट हुआ है उसको देखने के लिए हज़ारों लोग जमा हुए, और उसके साथ फिर ये मूवी देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं इस पार्क में, ग्रैंड पार्क में। वैसे तो ये मैनहट्टन पूरा ही तफरी मकाम है, हर बंदा यहाँ आता है, और इसके बगैर तो मैं कह रहा हूँ कि कलर ही नहीं है लाइफ में, अगर आप आएँ और इधर ना आएँ। तो मुझे दें अभी इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।